देखिए, जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने एक वादा किया था और विधानसभा में जब बिल पारित हुआ था और शेड्यूल 9 के तहत केंद्र सरकार को भेजने की इसके ऊपर चर्चा करी गई थी, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री दे कि आज 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका, बिल पारित हुए, लगभग 25 दिन गवर्नर को साइन करे होंगे और उसके बाद भी ये नहीं भेजा रहा है, तो इसके पीछे तो सरकार की कोई दोगली नीति है, दोगली मंशा है जिसको सरकार स्पष्टीकरण दे सकती है। एक सर, ढींगड़ा आयोग पे आपने कल पीसी की थी, उसके बारे में देखिए, मैं तो जो कागज तथ्य आरटीआई के हवाले से मेरे सामने आए मैंने पब्लिक के बीच में रखे और बताया कि किस तरीके से कमीशन्स ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 1952 के तहत एक कमीशन को किस तरह बनाया जा सकता है और किस तरह के फ्लॉज इस कमीशन के निर्माण में छोड़े गए हैं, जो कि जो लुटेरे थे आने वाले समय में उसका फ़ायदा उठाएंगे और सरकार को गंभीरता के साथ इस पर जवाब भी देना चाहिए और कदम भी उठाने चाहिए कि आने वाले समय में इतने खर्चे के साथ जो इंक्वायरी हुई है, इतनी मेहनत के साथ जो कदम उठाए जा रहे हैं, कहीं उसमें फ्लॉज सरकार द्वारा ना छोड़े। 11 तारीख को जो राज्यसभा के चुनाव हुए, उसमें आरके आनंद जी ने आरोप लगाया है कि जो भी आरोप आरके आनंद द्वारा जी लगाए गए हैं उसका स्पष्टीकरण आज विधानसभा में जो कदम उठाए गए, एक बार उसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग दे, उसके बाद ही मैं आपको दे पाऊँगा, क्योंकि वहाँ मिसहैंडलिंग्स दिखी हैं और लंबे इंटरवल्स के अंदर जो दो दो तीन तीन मिनट का काम होना था वहाँ पर एक एक मिनट तक का समय लगा है, तो जो मैन फंक्शनिंग हुई है जिस मंशा के साथ हुई है, इसका सवाल तो जब इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी खत्म होगी तभी मैं आपको। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस की एक मीटिंग हर 3 महीने में होनी चाहिए, जो कि केंद्र सरकार द्वारा निर्मित जितने कार्यक्रम हैं उनकी चर्चा होती है, पिछले दिनों क्योंकि बारी बारी एजिटेशन की वजह से इसको डिले किया जा रहा था, आज सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उस पर चर्चा होगी और आपने देखा था कि एक MP लैड्स का मेरे वाले का बड़ा चर्चा होती थी, तो आज उस पर भी चर्चा करी जाएगी कि क्यों इसमें बारी बारी डिले जाया गया और जो फ्रेश रिपोर्ट है कि कितने परसेंट काम कंप्लीट हो गया, उसका भी जायजा लिया जाएगा।